हेलो गाइस, स्वागत है चैनल में जिसका नाम द बी स्पोर्ट्स। यहाँ पे खुलता है फुटबॉल से लेटेस्ट ट्रांसफर न्यूज, ट्रांसफर रूमर्स, तो उसको कैच का वीडियो ब्रेक्स देख के। तो जो सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है आईएसएल और एफएसडीएल को लेकर। सो आईएसएल और एफएसडीएल ने रिसेंटली एक मीटिंग किया था, और उस मीटिंग में तय किया कि आईएसएल में इस साल 10 क्लब्स होंगे ड्यू टू कोविड सिचुएशन, एंड इतना मेंटेन करना इजी नहीं होगा एज बिकॉज एक न्यूट्रल वेन्यू में ही हो रहा है, उसमें से क्लब्स बढ़ा देना तो स्टेडियम का कंडीशन भी खराब हो जाता है। एंड अभी के लिए वो नहीं कर रहे, वो नेक्स्ट सीजन मतलब 2021 और 22 सीजन में ईस्ट बंगाल को लाएंगे या फिर नए क्लब्स को लाएंगे। तो ईस्ट बंगाल शायद 2021-22 में ही आएंगे। तो ईस्ट बंगाल आईएसएल में तो नहीं आ रहा इस सीजन, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा सैड न्यूज़ है जितने भी ईस्ट बंगाल के फैंस से एंड जितने भी लोग कोलकाता डर्बी देखना पसंद करते। तो कोलकाता डर्बी फर्स्ट टाइम एक साल के लिए मिस हो रहा है एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब इससे पहले मुझे नहीं लगता कभी कोलकाता डर्बी हुआ नहीं है एक साल में। सो ये फर्स्ट टाइम होगा कि कोलकाता डर्बी नहीं होगा। हो भी सकता है शायद कोई फ्रेंडली मैच ऑर्गेनाइज करे, बट ऑफिशियली मतलब कोई लीग मैच तो नहीं होगा। शायद कैलकाटा लीग में हो सकता है, बट देखते क्या होता है इस बार कैलकाटा लीग कब होगा कैसे होगा वो भी एक अलग इशू है। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो है शिंजी ओकाजाकी को लेकर। सो मुंबई सिटी एफसी के साथ शिंजी ओकाजाकी का बात टूट चुका है ड्यू टू वेज इशू, क्योंकि शिंजी ओकाजाकी का जो प्राइस है वो है 133 मिलियन रुपीज, काफी ज्यादा है, काफी हाई प्राइस है, काफी बढ़िया प्लेयर भी है शिंजी ओकाजाकी। तो इसके वजह से टॉक टूट चुका है एंड शिंजी ओकाजाकी मुंबई सिटी एफसी में नहीं आएंगे। और यही था न्यूज, एंड ये ऑफिशियली आप कंफर्मेशन तो ये नहीं मिलेगा क्योंकि नहीं होगा, ऐसा ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिलता है, बट जितना मुझे सोर्सेस से पता चला है कि हाँ शिंजी ओकाजाकी और मुंबई सिटी एफसी में नहीं आएंगे क्योंकि बात टूट चुका है। सो जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है केरला बेस्ट एफसी की तरफ से, तो केरला बेस्ट एफसी एक प्लेयर के ऊपर इंटरेस्टेड है जिसका नाम है मैनू मोलिना। चांसेस काफी कम है उनको केरला बेस्ट एफसी में आने के, बट फिर भी उन्होंने ऑफर किया है। केरला बेस्ट एफसी ने मैनू मोलिना को ऑफर किया है। वो एक सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर है, एज है 28, स्पेन के प्लेयर है, काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, रिसेंट परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है, अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा फॉर्म में भी है मैनू मोलिना। अब देखते हैं मैनू मोलिना केरला वेस्ट एफसी में आते हैं या नहीं, मतलब प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं। केरला वेस्ट एफसी के लिए अगर ये साइनिंग होता है तो मैं बोलूँगा कुछ हद तक सही साइनिंग होगा, क्योंकि केरला वेस्ट एफसी को एक प्लेयर चाहिए सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर। एंड बट दिक्कत वही है कि मैनू मोलिना का आने का चांसेस काफ़ी कम है क्योंकि उनको यूरोपियन सर्किट से दूसरे क्लब्स का भी ऑफर है, एंड ऑब्वियसली अगर आप केरला वेस्ट एफसी में आते हो तो आपको पे कट्स या फिर कम पैसा लेना पड़ेगा। तो इस वजह से शायद मैनू मोलिना केरला वेस्ट एफसी में ना आए, बट हम लोग को देखना पड़ेगा कि केरला बेस्ट एफसी ये बात कितना आगे बढ़ा पाता है। हम लोग को सिर्फ वेट करना है एंड जब भी कोई फर्दर अपडेट आएगा तो चैनल में मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। सो जो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है बेंगलुरु एफसी की तरफ से, तो अभी बेंगलुरु एफसी ट्रांसफर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है मैं बोलूँगा, एंड रिसेंट टाइम में तो कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। कल भी मैंने एक न्यूज़ दिया था, आज भी है, रूबेन जुराडो जो कि एक स्पेन के प्लेयर है, लास्ट सीज़न उनका कोई क्लब नहीं था, वो एक सीज़न एक साल से कोई भी क्लब में नहीं खेल रहे, उनका एज है 34, वो एक सेंट्रल फॉरवर्ड है, उनका परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया मैं नहीं बोल सकता, बट हाँ अच्छा परफॉर्मेंस है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस है रूबेन जुराडो का। अब देखते हैं बेंगलुरु एफसी डील सक्सीड कर डील में फाइनलाइज कर पाता है नहीं। बेंगलुरु एफसी ट्राई कर रहा है कि एक सेकंड स्ट्राइकर के पोजीशन में खरीदे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक अच्छा प्लेयर साइनिंग करवा लिया ब्राजीलियन प्लेयर को, बट उनको एक और स्ट्राइकिंग फोर्स में एक प्लेयर चाहिए, तो इसी वजह से वो लोग ट्राई करें कि दूसरा एक प्लेयर फॉरेन प्लेयर अच्छा खरीदे एज अ सेंट्रल फॉरवर्ड या फिर सेकंड स्ट्राइकर के पोजीशन में। तो एक्चुअली रूबेन जुराडो सेकंड स्ट्राइकर के पोजीशन में भी खेल सकते हैं एंड मुझे लगता है डील हो सकता है, चांसेस काफ़ी हाई है कि रूबेन जुराडो बेंगलुरु एफसी में जाए, क्योंकि बेंगलुरु एफसी हमेशा एक अच्छा ऑफर के साथ ही प्लेयर्स को अप्रोच करते हैं, तो इसी वजह से रूबेन जुराडो का बेंगलुरु एफसी में जाने का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एज थोड़ा सा ज़्यादा है 34, बट ओके उतना भी ज़्यादा नहीं है, खेल सकता है अभी भी, 2-3 साल वो आराम से खेल सकते हैं रूबेन जुराडो। सो देखते हैं डील कितना आगे बढ़ पाता है। सो नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़, तो मेसी बेलिसा को बार्सिलोना में देखना चाहते हैं। तो बेलिसा एक्चुअली लीड्स यूनाइटेड के मैनेजर है, काफ़ी बढ़िया मैनेजर है, क्योंकि लीड्स यूनाइटेड को इस साल उन्होंने EPL चैंपियनशिप जिताया है एंड वो कोई बहुत छोटा चीज़ नहीं है लीड्स यूनाइटेड जैसे टीम के लिए। लीड्स यूनाइटेड एक टाइम पे काफ़ी यूरोपियन सर्किट में एक टॉप टीम था, बट रिसेंट परफॉर्मेंस उतना कुछ अच्छा नहीं था, तो मुझे लगता है कि बेलिसा काफ़ी बढ़िया कोच है, बहुत कोचेस को बहुत कुछ सिखा के जाता है कि एक छोटा टीम लेके भी आप चैंपियन बना सकते हो अगर आपका फॉर्मेशन आपका स्टाइल प्लेइंग स्टाइल और टैक्टिक्स सही है। तो मेरे लगता है काफ़ी सही चीज़ है, और ये एक्चुअली मेसी ने खुद तो ऐसे कोई बोलता नहीं है, बट एक्चुअली रिपोर्ट द सन एक न्यूज़ आर्टिकल है, मतलब एक आर्टिकल का वेबसाइट है जिसने ये बोला कि मेसी बेलिसा को बार्सिलोना में देखना चाहता है एंड बहुत सारे क्लब्स बेलिसा के ऊपर इंटरेस्टेड है एज अ मैनेजर, बट देखते हैं कि बेलिसा कौन से क्लब में जाते हैं, बार्सिलोना में या फिर इंग्लिश प्रीमियर लीग के भी काफ़ी सारे क्लब इंटरेस्टेड है बेलिसा के ऊपर, या फिर बेलिसा लीड्स यूनाइटेड में ही रहेंगे एक दो साल, वो देखना पड़ेगा। सो जो नेक्स्ट चीज़ आ रहा है हमारा कोहलीबाली को लेकर, सो कोहलीबाली को लेकर बहुत सारा र्यूमर्स था कि मैनचेस्टर सिटी लिवरपूल
फिर आर्सेनल, फिर चेल्सी सब इंटरेस्टेड है कोलीवाली के ऊपर, बट अभी पता चला है कि कोलीवाली का कोई ऑफर ही नहीं मिला है, किसी क्लब से कोई ऑफर नहीं है कोलीवाली के पास। एंड कोलीवाली, ये न्यूज़ है नेपोली के जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है उन्होंने ये खुद बोला है कि कोलीवाली के पास कोई ऑफर नहीं है, सब र्यूमर्स ही थे। एंड इससे पता चलता है कि मतलब कोलीवाली काफ़ी बढ़िया डिफेंडर है, बट कोई अप्रोच करना नहीं चाहता कोलीवाली को, मुझे पता नहीं क्यों, बट डेफिनेटली कोलीवाली काफ़ी बढ़िया है, वर्ल्ड क्लास डिफेंडर मैं बोल सकता हूँ कोलीवाली को, बट कोई ऑफर उनको मिला नहीं है। सो कोलीवाली अभी के लिए तो जितना न्यूज़ है कि वो नेपोली में ही रहेंगे, जो कि नेपोली के लिए भी कभी काफ़ी अच्छा चीज़ है, क्योंकि नेपोली का जो रिसेंट परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, एंड धीरे धीरे नेपोली भी अपना गेम इंप्रूव कर रहा है, क्योंकि बीच में नेपोली का जो गेम है वो काफ़ी डिप्लाई हुआ था, परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था यूरोपियन सर्किट में, एंड काफ़ी अच्छे मैचेस वो हार गए, जीते हुए मैचेस हार गए, एंड कोलीवाली का परफॉर्मेंस तब भी काफ़ी बढ़िया था। एंड डिफेंस में नेपोली को, डिफेंस में अगर कोई सपोर्ट करता तो वो कोलीवाली है, जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं नेपोली को डिफेंस से। सो मुझे लगता है कि कोलीवाली को नेपोली इतना आसानी से तो छोड़ेगा नहीं, एंड अगर नेपोली को कोई दूसरा क्लब खरीदना भी चाहता है तो काफ़ी एक ह्यूज अमाउंट देना पड़ेगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, एंड हाँ स्पेशल वीडियो आज आ रहा है, आज शाम को शायद आ जाएगा, थोड़ा सा लेट हो सकता है, 7 बज सकता है, बट आज आ जाएगा एक स्पेशल वीडियो। स्पेशल वीडियो क्या है मैंने कल कमेंट्स में काफ़ी बता दिया था, बट फिर भी बता देता हूँ, जुआन फेरांडो के ऊपर है स्पेशल वीडियो, तो वेट करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।